हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। इस छोटे से वीडियो में एक छोटी सी पर यूजफुल टिप्स है। यदि आप कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और उसे आप यूट्यूब वगैरह में शेयर करना चाहते हो और उसी प्रोजेक्ट में से कोई स्टिल इमेज या तो स्क्रीनशॉट लेके आप उसे यूट्यूब थंबनेल में यूज़ करना चाहते हो, तो यहाँ प्रोग्राम मॉनिटर में या तो सोर्स मॉनिटर में नीचे यहाँ एक कैमरा का आइकॉन है छोटा सा, आप देखिए एक्सपोर्ट फ्रेम, या तो कीबोर्ड शॉर्टकट है शिफ्ट ई। यदि आपको यहाँ पे आइकॉन नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से उसे बटन एडिट भी कर सकते हो। जो कोई भी बटन आप ऐड करना चाहे तो आप यहाँ से सीधा उसे क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो, तो यहाँ ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही आप यह कैमरा का बटन प्रेस करें तो यहाँ पर एक्सपोर्ट फ्रेम का एक छोटा सा विंडो पॉपअप होगा। उसमें आप जो भी नाम रखना चाहे नाम रख सकते हो। यहाँ मैं नाम देने वाला हूँ मॉडल। उसके बाद फॉर्मेट है JPEG, PNG, TIFF वगैरह, जो भी फॉर्मेट आप यूज़ करना चाहे वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है पाथ है उसका, तो हम यहाँ से ब्राउज करके जहाँ भी सेव करना चाहे वहाँ सेव कर सकते हैं। और उसको सेव हो जाने के बाद यदि आप अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक रखें और सेव कर दें। तो जैसे ही सेव हो जाएगा आप यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी हो गया। तो उसे आप अपने प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हो, या तो जहाँ भी आपका लोकेशन सेट किया है वहाँ से आप उसे यूज़ कर पाओगे। लाइक फोटोशॉप में ओपन करके आप टाइटल वगैरह ऐड करके यूट्यूब थंबनेल वगैरह में यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और ये हाई डेफिनेशन फ़ोटो होगा। सो फ्रेंड्स, ऐसे आप प्रीमियर प्रो में से किसी भी फ्रेम की स्टिल इमेज कैप्चर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।